पार्टी उत्तराखंड अनुसूचित जाति मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उसमें मेरा आना हुआ है। समस्त कार्यकारिणी में अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान किया, और सम्मान ही नहीं किया बाबा साहब का, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि ऐसा भारत बनने चाहिए, इसमें आरक्षण की आवश्यकता तो रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता आर्थिक स्थिति से मजबूत हों। तो आर्थिक स्थिति से मजबूत होंगे तो अपने आप ही आरक्षण डायल्यूट हो जाएगा और वो स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसा भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले से कहा था कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। हर कार्यकर्ता को अपने इन सब विचारों से खड़ा किया जाएगा, खड़े होकर उनको जनता और समाज में भेजा जाएगा, क्योंकि एक आज सरकार, एक राष्ट्रवादी सरकार चल रही है जिसमें नेशन फर्स्ट, पार्टी द्वितीय और स्वयं को थर्ड माना गया है। ऐसे ही भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे। अम्बेडकर जी ने अपने लाइफ में, जीवन में कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि आप किसको प्रथम मांगते हो, किसको द्वितीय करते हो, तो अम्बेडकर जी